सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, अभी हम सौरभगढ़ रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ से हमें गोरखपुर के लिए निकलना है। हमारी गाड़ी कुछ ही देर में स्टेशन पर आने वाली है। फाइनली गाइज, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। गाइज, ये गाड़ी पूरे 1 घंटे डिले है। इसकी टाइमिंग सौरभगढ़ से 10:21 से अभी 11:30 बजने को हैं। गाइज, हम स्टेशन पर समय से आ गए थे लेकिन गाड़ी 1 घंटे डिले थी, इसी वजह से हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। खैर कोई नहीं, अभी गाड़ी आ गई है तो चलो अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं, फिर यहाँ से गोरखपुर के लिए निकलते हैं। हमारी गाड़ी सौरभगढ़ से डिपार्चर हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हम सौरभगढ़ का क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। गाइज, अब गाड़ी अपनी फुल स्पीड में चल रही है। गाइज, इस बार बारिश खूब हुई है तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरफ पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेन का सफ़र करने में काफ़ी मज़ा आता है मुझे, और देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। इसी के साथ अभी हम चिल्हियाँ रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही है, स्टेशन आने ही वाला है। हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ये रहा चिल्हियाँ रेलवे स्टेशन का व्यू। और अब यहाँ से भी गाड़ी डिपार्चर हो गई है, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर। गाइज, अभी हम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं सिद्धार्थ नगर लिखा हुआ है। अभी हमारी गाड़ी सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। यहाँ पे इसका स्टॉपेज 2 मिनट का है। अभी हमारी गाड़ी सिद्धार्थ नगर से डिपार्चर हो चुकी है और ये देखिए गाइस, ये क्या, ये लड़का जीआरपी से भाग क्यों रहा है? ओ माय गॉड, गाड़ी अपनी स्पीड में और ये चलती हुई ट्रेन में चल रहा है, ये देखिए। और जीआरपी से पता नहीं क्यों ये भागा है, कुछ रीज़न रहा होगा। और ये क्या, ये फिर से उतर गया गाइस, इतनी स्पीड में गाड़ी है और फिर उतर गया, और देखिए किसी को वार्निंग दे रहा है। कुछ तो हुआ है इसके साथ तभी ये ऐसा कर रहा है गाइस, जब क्या है वो तो मुझे पता नहीं। खैर कोई नहीं, चलो हम अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं और उसका एंजॉय लेते हैं। हमारी गाड़ी सिद्धार्थ नगर से निकल चुकी है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। गाइस, ये देखिए कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है, धान का सीजन है और खेतों में धान लगाया जा चुका है। और गाइस, मौसम भी काफ़ी कूल कूल है, धूप नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, एकदम अच्छा मौसम है। गाइस, अभी हम उसका बाज़ार पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। उसका बाज़ार से भी हमारी गाड़ी डिपार्चर हो चुकी है। और फिर से अभी हमारी गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है। इस बार बारिश खूब हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं नदी का जलस्तर कितना ऊपर हो गया है। अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। गाइज, ब्रिजमनगंज रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट स्टॉप लेने के बाद हमारी गाड़ी फाइनली डिपार्चर हो चुकी है और अभी हम ब्रिजमनगंज रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं।
जब भी हम लेहरा रेलवे स्टेशन से चल दिए हैं, यहाँ से लेहरा माता मंदिर कुछ ही दूरी पर है। गाइज यहाँ पे जो छोटे क्रॉसिंग है ना, उनको रेलवे पटरी के नीचे से अंडरग्राउंड बना दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। गाइज जंगलों की शुरुआत हो गई है, इसका मतलब अभी हम आनंद नगर, जिसे फरिंदा के नाम से भी जाना जाता है, रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। गाइज ये जो जंगल है ना, ये बहुत बड़ा जंगल है और काफ़ी घना जंगल है। इसमें बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं और बंदर वगैरह ये तो बहुत ज़्यादा रहते हैं गाइज। फाइनली अभी हम आनंद नगर जंक्शन पहुंच गए हैं, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। गाइज अगर नौतनवा के लिए ट्रेवल करना है तो हमें आनंद नगर जंक्शन से ही नौतनवा के लिए भी गाड़ी मिल जाती है। गाइज हमारी गाड़ी आनंद नगर से डिपार्चर हो चुकी है और अभी हम धानी ढाला क्रॉस कर रहे हैं, और साथ में ही गाइज हमारी गाड़ी पीपीगंज को क्रॉस करते हुए गोरखपुर के लिए आगे बढ़ रही है। पीपीगंज से चलने के बाद हमारी गाड़ी अब गोरखपुर के करीब में आ गई है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। गाइज हमारी गाड़ी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 500 मीटर पहले आउटर पर लगभग आधे घंटे रुकी हुई थी। आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद अभी हमारी गाड़ी फाइनली यहां से चल चुकी है, क्योंकि गाइज गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये 1.3 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 एक ही साइड में है। और गाइज यहाँ पे 9 के 9 प्लेटफॉर्म हमेशा फुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी जगहों से गाड़ियाँ आती हैं और हर जगह जाने के लिए गाड़ी आसानी से मिल जाती है। प्लेटफॉर्म बिजी होने के कारण ही लगभग सभी ट्रेनें आउटर पर कुछ ना कुछ देर रुकती ही हैं, और जब प्लेटफॉर्म खाली होता है तो उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। गाइज हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 8 पे आई थी और अभी हम गाड़ी से उतर के ब्रिज पे आ गए हैं। जैसा कि आप व्यू देख सकते हैं, ब्रिज से कैसा दिखता है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गाइज एग्जिट होने के लिए अभी हम इलेक्ट्रिक सीढ़ी पे आ गए हैं और यहाँ से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। गाइज बहुत सारे लोग थे पीछे हमारे, जो कि आने से डर रहे थे, तो हमने कहा कि हम पहले जा रहे हैं, उसके बाद आप हमें फॉलो करते हुए आ जाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।